YouTube channel, The Shine Institute, and we are here with a new part of conjunction, that is conjunction part 3. Conjunction part 3 में हम कुछ more advanced conjunction के बारे में पढ़ेंगे. I hope कि आपने part 1 और part 2 आपने देख लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी playlist में जाइए और conjunction part 1 और part 2 में देखिए, जिससे आप basics of the conjunction के बारे में आपको knowledge मिलेगा. Okay? So आइए आज का हम conjunction part 3 अपना शुरू कर दें. So, हमारा जो आज का कंजक्शन है वो है हमारा कंपाउंड कंजक्शंस. ओके, सो दैट इज थर्ड थिंग. ओके, सो कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है? सो लेट्स रीड इट अगेन. सो द फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड एज कंजक्शन आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन. ओके, जिस जो भी कंजक्शन एज ए फ्रेज यूज किए जाते हैं, क्या एज ए फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, उसे हम कंपाउंड कंजक्शंस बोलते हैं. So let me repeat again what are the phrases. Okay, phrases क्या होते हैं? There are the combination of two or three words. Okay, the combination of two or three words and which makes a short sense. जिनका कोई short sense होता है वो phrases होते हैं. और जो भी phrases as a conjunction use किए जाते हैं उसे हम compound conjunction बोलते हैं. Fine. So जो आपको इसमें main thing आपको जानने की जरूरत है वो है, here are the main points. Have two or three parts. Okay, so जब compound conjunction होते हैं वो two or three parts में divides होते हैं. Fine. And always together in the sentence. किसी भी sentence में होगा वो हमेशा together होगा, वो हमेशा क्या होंगे? साथ साथ होंगे. Fine. और जो most important जो आपको इसमें notice करने वाला है, they are different from the correlative conjunctions. Okay, हमने part two correlative conjunction में क्या देखा था कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, बट दे आर द डिफरेंट प्लेसेस. ओके, लाइक हमने ईदर और का एग्जांपल लिया था, ईदर आई वांट टी और कॉफी. सो ईदर अलग है और अलग है, राइट? सो दे आर कोरिलेटिव कंजक्शंस, बट इन कंपाउंड कंजक्शंस द वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर इन द सेंटेंस. सो जो कंपाउंड कंजक्शन में जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में जॉइंड होते हैं एंड दे मेक अ real sense of this, fine? And they work as a phrases also. वो क्या work करते हैं? As a phrases भी work करते हैं. So let me repeat again. The phrases which are used as conjunctions are called compound conjunctions. So जो भी conjunction as a phrases use होते हैं, okay? So that is called compound conjunction. Compound का मतलब भी क्या होता है? Compound का मतलब होता है like the combination of two things, two or more things. That is called compound. Okay? I think you have learned in science also. Science में compound होता है, दो तीन काफी सारे elements का मिक्स combination. So that is compound. So let's discuss today some most useful compound conjunction. Okay? So हम अपने topic start करते हैं, जो कुछ compound conjunction हम पढ़ेंगे one by one. Okay? So the first one is like, so that and in order that. So, ये दो हमारे कंपाउंड कंजक्शन है जो हमारा सो दैट है. सो दैट का मतलब क्या होता है? सो दैट का मतलब होता है ताकि. ओके, लाइक ही वर्क्ड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड. फाइन, वो हार्ड वर्क करता है. क्यों करता है? ताकि वो सक्सीड हो सके. आप भी वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी इंग्लिश सीख रहे हो, आप किस लिए सीख रहे हो? इंग्लिश बोलने के लिए, ग्रामर सीख रहे हो. किस लिए सीख रहे हो? ताकि आपकी राइटिंग पोर्शन, स्टोरी राइटिंग पोर्शन, आर्टिकल पोर्शन, जो भी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जो करते हो वो आपके कम हो सके, उसके लिए आप इंग्लिश करो. सो दैट आई लर्न इंग्लिश, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. फाइन, सो दैट क्या है इसमें हमारा? कंपाउंड कंजक्शन. ओके, सो नाउ इन ऑर्डर डेट. इन ऑर्डर डेट क्या होता है? इन ऑर्डर डेट का मतलब भी ताकि ही होता है. ये सेम होते हैं, लाइक द नोटिस वॉज डिस्प्लेड इन ऑर्डर डेट ऑल might no. Fine. So notice displayed किया गया. क्यों displayed किया गया? In order that,
ताकि ऑल माइट नो, सबको पता पड़ सके। सो नोटिस कोई भी है, ओके, आपके स्कूल में कॉलेज में कोई नोटिस लगाया गया, वो किस लिए लगाया? इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो, जिससे सबको पता पड़ सके। सो दे आर सेम। सो इसमें डिफरेंस क्या है? जो सो दैट जो यूज होता है, वो इनफॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, फाइन, फॉर इनफॉर्मल सेंटेंस। और जो इन ऑर्डर दैट यूज होता है, वो यूज होता है हमारा फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। ओके, सो देयर इज अ जस्ट बिग डिफरेंस, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इनफॉर्मल के लिए यूज होता है और जो ये यूज होता है वो हमारा फॉर्मल के लिए यूज होता है, फाइन। सो चलिए अब हम नाम नेक्स्ट कंपाउंड कंजक्शन देखते हैं। सो जो नेक्स्ट कंपाउंड कंजक्शन है वो है हमारा एज इफ एंड एज दो। सो इसमें जो आपको नोट करने वाली है वो एज इफ और एज दो दोनों का सिमिलर मीनिंग है, ओके, दोनों का सिमिलर मीनिंग है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम इसमें कुछ चीजें जो जानने वाली बातें हैं, चलिए हम एक सेंटेंस के थ्रू एक यूज कर दें। जैसे ही बिहेव्स एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, ओके। एज इफ का मतलब क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है इस तरह से, ओके, उसने इस तरह से बिहेव किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ओके, ही बिहेव्स एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, उसने वो इस तरह से बिहेव करता है कि कुछ जैसे हुआ ही नहीं है, ओके। सो एज दो से अगर हम एक सेंटेंस बनाएं, एज दो लाइक शी बिहेव्स एज दो शी वॉज रियली इल, ओके, उसने किस तरह से बिहेव किया? उसने इस तरह से बिहेव किया एज दो शी वॉज रियली इल, जैसे वो सच में बीमार हो, बट इट वॉज अनरियल, ओके। सो आपको जो उसमें नोट करने वाली बात है, जो एज इफ और एज दो हम यूज करते हैं, आप इसमें एज दो भी यूज करते हो, आप इसमें एज दो भी यूज कर सकते हो और इसमें आप एज इफ भी यूज कर सकते हो, ओके। सो बट ये इसका मेन मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट सेंटेंस होता है, और लेकिन इसके जो बाद का सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? पास्ट टेंस में होता है, एंड दैट इज अनरियल, दैट इज अनरियल, ये हमारा ट्रू नहीं होता, ओके, ये हमारा ट्रू नहीं होता। लाइक उसने इस तरह से बिहेव किया लाइक जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ओके, सो इट वॉज अनरियल बिहेवियर, एंड शी बिहेव्स एज दो शी वॉज रियली इल, वो उसने इस तरह से बिहेव किया जैसे वो सच में बीमार हो, बट वो बीमार नहीं थी, ओके। सो दैट वॉज, इट कुड बी पॉसिबल दैट शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बींग इल, बहाने कर रही हो लाइक, ओके, सो शी वॉज रियली इल, इट वॉज नॉट। सो एज इफ हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर नॉट रियल कंडीशंस, एंड सेकेंड सेंटेंस विल बी पास्ट, जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो पास्ट सेंटेंस में होगा, और जो फर्स्ट है वो हमारा किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा, बस इसमें यही है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। सो जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो है कंपाउंड कंजक्शन वो है हमारा इवन इफ, ओके, इवन इफ। इवन इफ का मतलब क्या होता है? इवन इफ का मतलब होता है आप वो काम फिर भी करो अगर कंडीशन पॉसिबल ना हो फिर भी, फाइन। जैसे सेंटेंस है, ही वुड गो टू ऑफिस इवन इफ इट रेन्स, ओके। सो इवन इफ का मतलब क्या होता है? फिर भी, इसके बाद भी, ही वुड गो टू ऑफिस इवन इफ इट रेन्स, और फिर बारिश होगी उसके बाद भी वो ऑफिस जाएगा, ओके, उसे जाना है ऑफिस, वो फिर भी जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक इवन इफ आई फील इंटरेस्ट आई विल ट्राई अगेन,
ओके अगर मैं टेस्ट में अगर फेल भी हो जाता हूँ सो मैं क्या दोबारा ट्राई करूंगा. सो इवन इफ आई फेल इन टेस्ट, इवन इफ आई फेल टेस्ट आई विल ट्राई अगेन. So try again, that is also a motivation for you. Always try, do not let it be. Fine, very good. So even if का मतलब क्या होता है, उसके बाद भी अगर आप कभी condition नहीं है, so that is a conditional compound conjunction. It is also a conditional compound conjunction. Okay. Next है हमारा as well as. Okay, as well as. इसका एक example देखते हैं. He as well as his brother came to my house. Okay, so he as well as his brother came to my house. मतलब वो भी और उसका भाई भी as well as his brother came to my house. So, वो और उसका भाई दोनों क्या है मेरे घर पे आए. एज वेल एज हिज ब्रदर केम टू माई हाउस. ओके लाइक वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू लाइक रोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स. ओके विजिटेड Delhi. Fine. So Rohan as well as his parents visited Delhi. Now Rohan और उसके parents भी दोनों. So Rohan और उसके parents भी visited Delhi. कहाँ गए? Delhi गए. So as well as हम क्यों कब use करते हैं? जब दोनों चीज साथ में हो रही हो. So एक combination ये क्या करता है? दोनों combination को show करता है. So that's why it is called compound conjunction. Okay? So he as well as his brother came to my house. And Rohan as well as his parents visited Delhi. Fine? Very good. And always keep in mind, whatever I am teaching you the different types of compound conjunctions, so you must also try with another examples. Okay? आपको अलग-अलग examples के साथ भी आपको try करना है, जिससे आप अच्छे से सीख पाओ. Next है हमारा as soon as. As soon as को हिंदी में बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके या जैसे ही हुआ वो चीज जैसे ही हुई तुरंत सेकंड थिंग हुई. ओके जैसे सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वेंट क्वाइट एज सून एज द टीचर entered in the room. Okay, so teacher जैसे ही room के अंदर आए. Okay, so सारे students क्या हो गए? शांत हो गए. As soon as the teacher entered in the room. Okay, so as soon as का मतलब क्या होता है? जैसे ही एकदम से. So जैसे ही that is condition. Students, when the student went quiet, as soon as the teacher entered in the room. Okay, so that is also a conditional. कंपाउंड कंजक्शन. ओके नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन है हमारा एज मच एज. एज मच का मतलब क्या होता है? मच हमने एक प्रीपोजिशन में भी पढ़ा था. ओके सॉरी डिटरमिनेंट्स में भी पढ़ा था कि मच का मतलब होता है फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स. मच हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स. और वो क्या हो? बहुत ज्यादा अमाउंट में हो. क्या हो? बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, उसके लिए हम मच यूज करते हैं. सो अब हम देखो एज और एज इसे यूज करके हम एज ए कंपाउंड कंजक्शन भी यूज कर रहे हैं. लाइक इन मच अमाउंट इन लार्ज अमाउंट दिस थिंग्स विल बी इन लार्ज अमाउंट. फाइन. सो जो सेंटेंस इज है लाइक वी कैन गेट as much as knowledge on internet. Okay, so we can get as much as knowledge on internet. हम internet पर जितना ज्यादा चाहें, okay, जितना ज्यादा चाहें उतना knowledge get कर सकते हैं. So knowledge, do you think so knowledge is countable?
not. Knowledge is uncountable now. That is also uncountable now. So please keep in remember this thing. For as much as we use uncountable noun. One more example for this. You can take water as much as you want. Okay, आप जितना पानी लेना चाहो आप उतना पानी ले सकते हो. So water is also an uncountable noun. Okay, so as much as you want. Fine. So when you can take the water as much as you want. Okay, so you can take the water as much as you want. As much as का मतलब दोबारा से बता रहा हूँ मैं क्या होता है. It is a use for uncountable things. Okay, और जैसे ही होता है. Like the student went quiet as soon as that was and as much as jitna jyada ho sakta hai. Like we can get as much as knowledge on internet. Okay, fine. So the next compound conjunction hai where hamara on the condition that. Okay, on the condition that. On the condition that जो compound conjunction है ये हमारा most important भी है, useful, जो हम अपने daily speaking skills में भी अपने use कर सकें, like daily speaking happening, fine. On the condition that, on the condition का मतलब है आपको कोई भी चीज किसी को दे रही हूँ, fine. किसी condition के हिसाब से, हाँ आप जब ये काम करोगे मैं आपको जब भी book दूंगा, like you can, example है, you can take my book on the condition that you will return on time. Okay, so on the condition that kya hai, that is a compound conjunction in pairs also, and see. Okay, different from correlative, always together in the sentence and have two or three parts. One, two, three. Okay, there are the three parts, alright? And that is compound conjunction. So you can take my book, okay, on the condition that you will return on time. Aap meri book jab bhi le sakte ho, on the condition, kab? Jab aap ise return karoge. So you are making a promise to someone that he or she, okay, have to return it on time. So that was all over. That was really very easy. Compound conjunction. One more again. That is repeated in the phrases which are used as conjunctions are called compound conjunction. कोई भी phrases जो as a conjunction use होता है उसे हम compound conjunction बोलते हैं. Compound का मतलब क्या होता है जो साथ में होता है. Okay. So I hope you like this video. So keep learning more and keep practicing more these compound conjunction all over again. Okay. So we will also post some test and PDFs with it. So please try to do all those things, because agar aap mistake kar de no problem, but you must try, fine. So keep learning more. And one more thing for new also, that we are also going to start class 10th literature part, okay, from the first chapter, A Letter to God. हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग्स. ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस एंड जॉइन अस टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे हैप्पी.